मीरा रोड के वार्ड अध्यक्ष, नगर सेवक, उसके बाद मीरा भयंदर महानगर पालिका के उप महापौर, उसके बाद महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, फिर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरचिटनीस, फिर अभी और विधान परिषद के दो वक्त दो टर्म आमदार, आपके और हमारे लाडले नेता जिनकी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है, मीरा भयंदर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष, नगर सेवक, गठ नेता, कार्याध्यक्ष, आप सभी लोगों को विनती कि आप मुजफ्फर हुसैन साहब का यहाँ पर सत्कार करें। आज के इस सभा में मंच पे उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मीरा भयंदर के प्रभारी राजेश शर्मा जी, मेहुल बोरा जी, सुरेश दलवी जी, तौकीर आलम आईवाईसी के जनरल सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष अंकुश मालुसरे जी, नगर सेवक पूर्व अध्यक्ष अनिल सावंत, गठ नेता अनिल सावंत, जुबेर इनामदार, माजी महापौर और आज जिनको महिला कांग्रेस की कार्याध्यक्ष बनाया गया निर्मला सावले जी, नगर सेविका मरलिन डीसा, उमा सफर, गीता परदेसी, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष और सीनियर नगर सेवक माजी नगर सेवक एडवोकेट खान, जैसे खान महेंद्र सिंह चौहान साहब, सी डी सिंह जी, जवाहर भाई, सलीम दाऊद जी, रशीदा काजी, रुबीना सैयद, कल्पना ठाकुर, डॉक्टर शीमा शर्मा, फैजुल्ला शेख, बहुगुना जी, विंसेंट वास, अरविंद यादव, खाड़े, खलील शेख, फिरोज सैयद, स्वरूप मुखर्जी, मानिक गुप्ता, वैशाली वासनिक, रंजन बिन गारोड़िया, सुवर्णा मोरे, वंदना सक्सेना, जीरा व्यास, जिगर देसाई, निखिल देसाई, ललिता बीज, जकिया शेख, रजनी गुप्ता जी, सोनौने ताई, दिलीप दोषी, राकेश राजपुरे, सरनजीत अली गजनवी, विकास मात्रे, फारूक अलतूर, संजीव चौहान, राजकुमार मिश्रा, दिनेश सक्सेना, प्रकाश नागने, सैयद शाह, रविंद्र आलस्कर, रविंद्र उपाध्याय जी, मुकुल त्यागी, रेहान शेख, सुशील दुबे, श्याम सहारे, असगर पाशा, अब्दुल भाई, बैजनाथ मिश्रा जी, दीपक सावंत, बिरबल विश्नोई जी, ब्लॉक के सभी पदाधिकारी, जिले के सभी पदाधिकारी, वार्ड के सभी पदाधिकारी, फ्रंटल के सभी पदाधिकारी, सेल के सभी पदाधिकारी, बहुत से लोगों के नाम नहीं है लेकिन सभी मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों और सहकारी, आप सब लोगों के इस गुलाब की जैसी खूबसूरत प्यार और मोहब्बत और शुभेच्छा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज यहां पर चार कार्याध्यक्ष अपॉइंट किए गए, दो यूथ कांग्रेस के 145 के जय कुमार ठाकुर और 146 के नागेंद्र जयसवाल, महिला कांग्रेस की निर्मला ताई सावले और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमोद सामंत। कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि प्रदेश कांग्रेस ने भी जो है चार पांच कार्याध्यक्ष अपॉइंट किए और कार्याध्यक्ष बनाने का और बनने का मतलब आप समझ लीजिए कि आपको डबल नहीं 100 गुना ज्यादा ताकत से काम करना होगा, संगठनों को मजबूत करना होगा,
कार्याध्यक्ष बनाने का मतलब ये नहीं कि अध्यक्ष को लगे कि अभी तो क्या कार्याध्यक्ष अभी मेरा कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अध्यक्ष का काम 10 गुना बढ़ जाता है, कार्याध्यक्ष वालों का काम उससे 10 गुना बढ़ जाता है। अब जैसे मैं कार्याध्यक्ष बना हूँ, अब कल से पूरा हमारा कोंकण का दौरा शुरू होगा, नॉर्दर्न महाराष्ट्र का दौरा शुरू होगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र का दौरा शुरू होगा। अभी आज ही पालघर की जिला कांग्रेस कमेटी पिछले 6 महीने से अस्तित्व में नहीं थी, राजेश जी जानते हैं, मेहुल जी जानते हैं, जैसा पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ और AICC सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग हुई तो हमने पहला काम ये किया कि पालघर जिला कांग्रेस कमेटी कल के कल दिल्ली से अप्रूवल मंगा करके आज डिक्लेयर कर दिया। और वहां पर भी पदग्रहण समारोह और सभा भी फिक्स कर दी। अभी शाम में मुझे मिलने आए थे, वहीं पे दिल्ली सेक्रेटरी को भी फोन लगा और 30 तारीख को कार्यक्रम निश्चित कर दिया। 31 तारीख को पनवेल के अध्यक्ष नहीं थे, वो हमने परसों अपॉइंट किया। 31 तारीख को पनवेल की सभा हमने मुकर्र कर दी। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के अंदर अध्यक्ष नहीं थे या वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं था, वो हम लोगों ने अपॉइंट कर दिया। थाने के अंदर अध्यक्ष है लेकिन वहां पे भी कार्य अध्यक्ष की जरूरत है तो वो भी हमने अपॉइंट कर दिया। भिवंडी के अंदर अध्यक्ष है लेकिन क्योंकि वो चुनाव लड़ने वाला है तो वहां पे भी हमने अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो कार्य अध्यक्ष बनने के बाद में मैं मेहुल जी और राजेश जी को बोल रहा था कि फायदा यही होता है कि जो पद का अप्रूवल, जैसे यहाँ के जिला अध्यक्ष का पद का अप्रूवल मेहुल जी राजेश जी जानते हैं कि अंकुश मालू सरे का नाम भेजने के 18 महीने के बाद अप्रूवल AICC से आया। तो कार्य अध्यक्ष बनने के बाद में ये फायदा होता है कि तुरंत अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और तुरंत अपॉइंटमेंट करने से क्या आपका अप्रोच बढ़ जाता है ना। प्रदेश कांग्रेस में आपने फोन उठा करके बोला फला लेटर बना दो तो तुरंत बन जाता है। दिल्ली सेक्रेटरी से, जनरल सेक्रेटरी से आपको बात करनी है तो तुरंत आपको अप्रूवल मिल जाती है। तो उससे संगठना फास्ट बनती है। संगठना जब तक नहीं होती तो कोई भी लड़ाई, कोई भी चुनाव जीता नहीं जा सकता। मेहुल जी और राजेश जी ने तो मेरा भयंदर का माहौल पिछले 3 साल में भी देखा है और मैं समझता हूँ कि पिछले 6 महीने में आप लोग संतुष्ट होंगे कि मेरा भयंदर में आहिस्ते स्लो ग्रेजुअली लेकिन लोग बढ़ रहे हैं। अभी जितने लोगों का मैंने नाम लिया ये कहीं ना कहीं वार्ड पे, ब्लॉक पे, जिले पे पदाधिकारी हैं, इसलिए इन लोगों के सारों के नाम आजी माजी नगर सेवकों के नाम लिए, कई लोगों के नाम छूट भी गए होंगे। मगर एक तरफ अगर ये कहा जाता है कि पार्टी की हालत खराब है और लोग जुड़ते नहीं है तो ये बात को मैं पार्टी मानूंगा, पार्टी नहीं मानूंगा। पार्टी इसलिए नहीं मानूंगा कि अगर हम लोगों तक के जाएं, मालूसरे जी ने खुद का अपना एक्सपीरियंस बताया, अब हम अगर लोगों के पास जाए तो लोग यकीनन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। 50% लोग वोटिंग को ही नहीं जाते, 50% वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ आप हम देखते हैं तो 50%, मतलब बाकी के 50% लोग वोटिंग के लिए ही नहीं जाते हैं। हमको ये देखने की जरूरत है कि 50% लोग है तो, और ये कब पता लगेगा, जब हम उनके पास जाएंगे। हम अगर उनके पास जाएंगे ही नहीं तो हमको ये पता ही कैसे लगेगा कि ये 50% कौन है। आपको हमको जो मिलता है वो अपना आपका हमारा पार्टी वर्कर ही मिलता है और वो अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करता है तो आप भी खुश, मैं भी खुश। और जो ऑपोजिशन के अंदर है वो उनके लोगों को मिलते हैं। अभी आपकी ही बिल्डिंग के अंदर अगर मैं पूछूं कि आपके 28 फ्लैट है, 28 फ्लैट में आप लोग जाकर के आए क्या, तो उसमें से मैं समझता 1% आदमी खाली हाथ ऊपर उठाएगा। अभी यहाँ जो लोग बैठे मैं आप सभी को पूछता हूँ कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, आपने अपनी बिल्डिंग में अगर 28 फ्लैट है, 20 फ्लैट है, 40 फ्लैट है, 50 फ्लैट है, पिछली जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो आपके हमारे हुई उस दिन से लेके आज तक के कितने लोगों ने सिर्फ अपनी बिल्डिंग को जाकर के लोगों को परिचय दिया, मिला, बताया कि साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं, आप हमको मदद कीजिए, जरा हाथ उठाइए। ये झूठ है, ये झूठ है। जितने लोगों ने हाथ उठाया प्रमोद, जितने लोगों ने हाथ उठाया है, अगर ये सच होगा तो 30,000 वोट ये होते हैं। काय खरा म्हणजे नाही गेलं हे खरं नाही, मैं आप लोगों पे भरोसा करता हूं कि आप लोग गए होंगे। जब इतने लोग थे आपने कांग्रेस और आपने सीट नहीं आया तो
तो बोले लोग ट्रांसफर हमने तो मत अपने कांग्रेस पर दिया है, लेकिन वो ट्रांसफर हो गया। नहीं ठीक है, परंतु वो विषय ईवीएम का विषय वेगड़ा है, ऐकून घ्या। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, तौकीर आलम जी आप सुन लीजिए, आपको यूथ कांग्रेस वालों को अभी दो कार्याध्यक्ष हमने दे दिया है, आपके ही अप्रूवल से दो कार्याध्यक्ष भी बन गए हैं। तो अगर पहले की बॉडी एक्टिव नहीं थी तो अब ये दो कार्याध्यक्षों को दौड़ाने का काम आपका है। जो महाराष्ट्र के अंदर आपने 60 या 64 कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट किए, उसमें मीरा भयंदर भी आपने सेलेक्ट किया है, यूथ कांग्रेस ने, आईवाईसी ने और पीवाईसी ने, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अंदर की कांग्रेस की 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट किया है, जहां पे इनको लगता है कि ये सीट कांग्रेस की चुन के आ सकती है, उसमें मीरा भयंदर। मगर उनकी क्षमता यूथ कांग्रेस की कम होने की वजह से, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का प्रोसेस था, सब कुछ था। अब तौकीर जी, ये दोनों बच्चे जो आपको मिले हैं, इनको थोड़ा मार्गदर्शन आपको देना पड़ेगा। वार्ड वाइज अध्यक्ष हमको बनाने हैं यूथ कांग्रेस के, ब्लॉक वाइज अध्यक्ष बनाने हैं, इनकी कमेटियां बनानी है, तो ये आपको इनको गाइड कीजिए, ताकि ऐसा वॉर फुटिंग पे, मतलब आज ये बने हैं, कल सुबह तक इनके लेटर हेड बन जाने चाहिए, कल शाम तक ये 5-5, 10-10 वार्ड अध्यक्ष बन जाने चाहिए, इनको लेटर हेड अपने जेब में ही लेके चलना चाहिए। मैं जब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था, मेरी स्टोरी 20 साल बाद वाली स्टोरी है, 20 साल बाद पिक्चर थी ना, वैसी मेरी स्टोरी हो गई है। ये जब 99 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, उसके 15 दिन के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस बन गई महाराष्ट्र में, एनसीपी, और 50 यूथ कांग्रेस के लड़के थे, उसमें से 35 राष्ट्रवादी में चले गए। हमारी जो बॉडी थी यूथ कांग्रेस की, मैं जिसमें 5 साल उपाध्यक्ष करके काम किया, उसमें से आप समझ लो कि 100 में से 90 लोग उसमें चले गए। और वो परिस्थिति के अंदर मैंने महाराष्ट्र के अंदर दौरा शुरू किया, और जिस गांव में जाता था, जिस तालुके में जाता था, जिस जिले में जाता था, रणदीप सिंह सुरजेवाला और मनीष तिवारी उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, रणदीप सुरजेवाला बाद में आए, उस टाइम पे मनीष तिवारी जी थे, मैं वहीं से फोन लगा के बोलता था ये जिला अध्यक्ष के लिए मुझे अपॉइंटमेंट करना है, बोले ठीक है कर दो, मैं वहीं लेटर देता था, गाँव में लेटर देता, गाड़ी के बोनट के ऊपर हाथ से लिख करके मैं लेटर देता। कभी राजीव सातव जी को पूछिएगा, जो आज गुजरात के इंचार्ज है, कभी राजीव सातव जी को पूछिएगा कि मैं उस्मानाबाद जा रहा था और बीटी स्टेशन पे वो आए थे, ट्रेन के डब्बे के ऊपर ऐसा अपने हाथ से उनको पीवाईसी का सेक्रेटरी का लेटर राजीव सातव को मुजफ्फर हुसैन ने दिया। तो मुझे कितनी खुशी होती है जब भी मैं राजीव सातव से बात करता हूँ कि मेरे हाथ का बनाया हुआ सेक्रेटरी आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ बैठते हैं, और वो भी उस बात को याद रखते हैं, और आज भी मुझे दादा करके ही, मैं जब भी फोन करूंगी या उनका फोन आए, दादा करके ही आवाज मुझे आज भी देते हैं। हाथ में लकीरें सबकी है, ऊपर वाले ने सबका स्टॉप, फुल स्टॉप, कामा, रेलवे स्टेशन सब लिख के भेजा हुआ है, अपनी गाड़ी चलते चलते यार्ड में चले जाती हो, और कभी फुल ट्रैक पे आ जाती है, कभी पार्टी ने जब फुल ट्रैक पे ऐसे टाइम पे लाया जैसे 20 साल पहले लाया था, कि जब पार्टी को जरूरत थी तो इंजन का ड्राइवर हमको बना दिया, आज वापस पार्टी को जरूरत है तो हमको फिर से। अगर ये शक्ति जो होती है ना, ये आप लोग हमारी मेरी शक्ति होती है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये असेंबली लड़ने के लिए भी मानसिक रूप से मैं तैयार था, मेरी हेल्थ की वजह से 3 साल में जो 2-3 सर्जरी हुई उसके चलते हुए, अक्टूबर में जब पार्टी ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा, दिसंबर में मुझे कहा गया कि नहीं तुमको लड़ना ही लड़ना है, तब भी मैंने कहा कि मैं अभी तैयार मेंटली नहीं हूं, क्योंकि फिजिकली मुझे पता नहीं मैं कितना काम कर सकूंगा। और इत्तेफाक देखो ऐसा हुआ कि जो सीट छीन के ले ली गई थी वो सीट खुद आके शरद पवार ने पब्लिकली अनाउंस कर दी थी। इत्तेफाक देखो कैसे होता है कि कांग्रेस की 288 सीट की मीटिंग होती है, राजेश जी मेहुल जी इस बात के गवाह है कि महाराष्ट्र की एक ही सीट फाइनल हुई, एक ही नाम फाइनल हुआ, 14 जून को अनाउंस भी कर दिया। जब सब कुछ था तो पार्टी ने सब कुछ छीन लिया, अब जब बंजर हो गई तो सब कुछ दे दिया। अब उस बंजर के अंदर भी कैक्टस उगता है, मालूम है तुमको, और उस बंजर के अंदर
बहुत सारी चीजें उगती है और उसी बंजर जमीन के अंदर और डेजर्ट के अंदर आजकल तो सब में ज्यादा सोलार एनर्जी जनरेट होती है जिससे रोशनी मिलती है। तो आप समझ लो कि इस बंजर जमीन में अपने को रोशनी पैदा करने का काम पार्टी ने किया। मीरा भाईंदर के अंदर आपको लगता होगा कि कैसे लड़ेंगे कैसे करेंगे, पूरे देश के अंदर माहौल अलग है। अब इतने माहौल के अंदर भी कांग्रेस को 15 करोड़ वोट मिले हैं। ये 15 करोड़ लोगों ने विश्वास पार्टी पे, आप पे, हम पे, सब पे दिखाया है, विचारधारणा के साथ ये विश्वास दिखाया है। ये वो ताकत है जो 68,000 लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 20,146 में, मतलब 90,000 वोट आपको मीरा भाईंदर में लोगों ने आज भी दिया है। ये 90,000 वोट कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आपको हमको खाली 43,000 वोट थे, 43,000 एक साल पहले हमको यहाँ पे कॉर्पोरेशन के चुनाव में खाली 43,000 वोट था। और अब जो कहते हैं कि बीजेपी की सुपर सुनामी थी, तो हमको 90,000 मिले, मतलब हमारे वोट बड़े हैं, हमारे वोट कम नहीं हुए हैं। ये वोट क्यों बड़े हैं? ये वोट इसलिए बड़े हैं कि आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका है, लोगों में दिखने लगा है कि भाई कांग्रेस ठीक है, रेंगते हुए ही भले चलते हुए ही, लेकिन वापस शहर के अंदर खड़ी हो गई है। ये शहर के अंदर बीजेपी के खिलाफ में माहौल है, ये शहर के अंदर बीजेपी के लोक प्रतिनिधि के खिलाफ में माहौल है, ये शहर के अंदर लोगों में बीजेपी के स्थानीय नगर सेवकों के खिलाफ में माहौल है, इस शहर के अंदर पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, हॉकर्स की समस्या है, रिक्शा की समस्या है, पुलिस की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, हर चीज की समस्या यहाँ मौजूद है। जब भाजपा वाले इसको फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पे और हर चीज के ऊपर जब वो अपनी शान में कसीदे पढ़ते हैं और उद्घाटन के फोटो डालते हैं, उस वक्त कांग्रेस का वर्कर का काम बनता है कि उनके फेसबुक पे जाकर के जो हकीकत है वो कमेंट में लिखे। वो आप लोग नहीं करते हो। वो आपका काम है कि उनके भाजपा के जो भी नगर सेवक है, पदाधिकारी है, महापौर है, आमदार है, वो जो झूठी बातें सब लिखते हैं, फोटो डालते हैं, वहां जाके आपको कमेंट में लिखना चाहिए। आप जब वहां पे हकीकत लिखोगे, मैं झूठ लिखो ये नहीं कहूंगा, जो हकीकत होगी उसके समस्या संबंध से या शहर की समस्याओं के संबंध से आप जब उसको लिखोगे, तब लोगों को पता लगेगा कि भैया ये फोटो डाला है, ये जो किया है ये झूठ है, समस्या है तो दुनिया भर की, ये आपका काम है, ये करना है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरा फेसबुक है, पेज है, उसको आपको कमेंट्स लिखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ट्विटर, आप में से ट्विटर पे कितने लोग, जरा हाथ ऊपर उठाए, इंग्लिश में होता है ट्विटर, ट्विटर पे कितने लोग हैं, उसके ऊपर लाइक करना है, उस पे उसको शेयर करना है। ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को लोगों तक के, मैक्सिमम लोगों तक के, सिर्फ टच ऑफ योर फिंगर तक के उसमें आप जो है लोगों तक के पहुंचा सकते हैं। ये करने का काम आपका हमारा है, इसको करने की कोशिश कीजिए। जो बूथ कमेटी का काम जिनको दिया है, सोसाइटी का काम जिनको दिया है, समाज का काम जिनको दिया है, बिल्डिंग का काम जिनको दिया है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उस काम को अंजाम दीजिए। आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हो, वहां के लोगों को जाके मिलिए। आप जब मिलोगे तभी आपको पता लगेगा कि ये 50% लोग कहीं पे जाते नहीं है, उनको निकालिए, उनको वोटिंग कराइए। मुझे पूरा यकीन है कि ये असेंबली की सीट हम 101% जीतेंगे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस बात की फिक्र मत कीजिए। आप सैनिकों और सैनिकों की ताकत के ऊपर ही जंगें जीती जाती है, मेजर जनरल और कर्नल की उससे नहीं, कोई नगर सेवक से नहीं, कोई आमदार से नहीं, कोई आजी माजी नगर सेवकों की ताकत पे नहीं, आम कार्यकर्ता की ताकत पर ही बड़े से बड़ी लड़ाई और बड़े से बड़ा इलेक्शन जीता जाता है। आप लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हो। राजेश जी, मेहुल जी, आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-6 महीने से, विशेषतर लोकसभा के चुनाव के बाद से, हर वर्कर के साथ में जिन जिन को जो जो जिम्मेदारियां दी है उनके साथ मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे डायरेक्ट मेरा सवाल रहता है।
बहुत कड़वा भी अल्फाज में इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी बहुत टाइट भी बोलता हूँ, बहुत गर्म होकर भी बोलता हूँ, गुस्से से भी बोलता हूँ, लेकिन आप समझ लेना कि जिसके साथ बहुत प्यार से बोला हो तो समझना ये सबका आदमी नहीं है, जिसके साथ बहुत नाराज होकर बोलता हूँ तो समझ लेना साहब को इसके ऊपर, साहब को इसके ऊपर पूरा विश्वास है, फिर से प्यार से बात करता हूँ। और जिसके कंधे पे हाथ रख दिया समझ लेना उसकी विकेट गई, ये सब मैं नहीं बोलता ये लोग बोलते हैं। तो आप सब लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पे हमारे सिंह साहब और महेंद्र सिंह चौहान साहब, ये हमारे सीनियर लीडर हैं, इनके सामने का मैं बच्चा हूँ, ये मेरे पिताजी के मित्र हैं और उस जमाने से हमारे पिताजी के साथ है जब इस शहर के अंदर कुछ भी नहीं था तब से, और आज भी वो मेरे लिए इतना समय निकालते हैं, आते हैं, इसके लिए उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ बैठे सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका प्यार मोहब्बत, आपका मेरा ये जो संबंध है, जो रिश्ता है, ये जो ताल्लुकात है, ये इसी तरह से बना रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे महाराष्ट्र में दौरा करना है, ये एक मेरा छंद है, पैशन है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, पार्टी के लिए काम करना, और पार्टी ने जब ऐसे मोड़ पे मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मैं भी इसे पूरा करना चाहता हूँ, और ऐसे वक्त में फिर जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ जाती है कि अगर आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी अपनी जगह पे निभाई तो मेरे पे स्थानीय जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका लोड मेरे पे कम होगा, मुझे इसका स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा। कोशिश कीजिए कि लोगों तक के पहुँचे, जब तक आप लोगों तक नहीं जाओगे लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।